हे गाइस, क्या आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है? तो चलिए घर में पड़ी सूजी से ही आज बहुत टेस्टी और यमी डिश बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। लेंगे ब्रेड क्रम्स 1 फुल कप, सूजी 1 फुल कप, स्वीट कॉर्न 1 फुल कप एंड यहाँ मैंने लिया है 8 टेबल स्पून मैदा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। वेजीज में हम लेंगे सबसे पहले कोरिएंडर, जिसे मैंने वॉश करके फाइनली चॉप कर दिया है, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम एंड अनियन। ग्रीन चिलीज के एंड को आप अच्छी तरह से निकाल दीजिए। अब मैंने एक पैन में 2 कटोरी फुल पानी लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च और इसे मैंने हीट पे रख दिया, ये बॉइल्ड हो रहा है। और इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 चम्मच और इसे हम बॉइल्ड होने देंगे। एंड ये क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिज ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने दिखाया वही डालें। अब मैंने यहाँ पे रफली चॉप ग्रीन चिली डाला है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हों तो फाइन चॉप ना डालें, नहीं तो खाते समय मुंह में आ जाता है और बच्चों को तीखा लग जाता है। अब मैंने यहाँ पे सारी अपनी वेजीज ऐड कर दी है, जिसमें अनियन था, कैप्सिकम था और कोरिएंडर लीव्स थी। तो मैंने ये तीनों इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ और इसे हम एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एक डो ना बन जाए। और अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है हमारा स्वीट कॉर्न, इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 नींबू का रस काट के निचोड़ लिया है टेस्ट के लिए। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी एक दूसरे प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच ऑरिगेनो, आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और अपने हाथ के हेल्प से इसे मनचाहा आकार दे दीजिए। मैंने इस तरह का शेप दिया है, आप अपना कोई भी डिजायर शेप दे सकते हैं। अब मैंने मैदा में, यहाँ पे मैंने 8 चम्मच पानी डाल के इस मैदे का सॉल्यूशन बना लिया है। और ब्रेड क्रम्स में मैंने ऑरिगेनो मिला दिया है, आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब मैं मैदे के पानी की कोटिंग में इसे पहले सबसे पहले कोट करूंगी और उसके बाद से ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसे हम शैलो फ्राई कर देंगे। तो यहाँ मैं पैन में इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसे मैदे में कोट कर लेंगे, उसके बाद से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। बनाने के लिए आप कोई भी 2 या 3 दिन पुराने ब्रेड्स को मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए तो आपका ब्रेड क्रम्स बन जाता है। इससे जो हमारे कटलेट से काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर ले रही हूँ और गर्मा गर्म अपने मनपसंद चटनी या सॉसेस के साथ इसे सर्व कीजिए। ये हेल्दी तो है ही, साथ साथ में टेस्टी भी है। और अपने फैमिली के साथ इस लॉकडाउन में इंजॉय कीजिए, बाहर का नाश्ता भी भूल जाएंगे। तो क्यों खाना बाहर का नाश्ता जब इतना बढ़िया नाश्ता घर बैठे मिल जाए। तो इंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।